सो है गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू 01 ड्रीम एडिट्स। सो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक फोटो एडिट किया जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बॉम एडिटिंग हुई है। एक तो हमने बैकग्राउंड को अलग से एडजस्ट किया है। सॉरी गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसके लिए तो आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। आई होप गाइस इस वीडियो को देख के ना आप लोग इस तरह की फोटो एडिटिंग काफ़ी ईजी स्टेप्स में सीख जाओगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाए तो भाई भर दो यार, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और बैकग्राउंड की तो टेंशन वेंशन तो लेना ही मत, मैं हमेशा तो दे ही देता हूँ, बताने की कोई जरूरत नहीं होती। तो गाइस वीडियो देखो, ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखना। तो वीडियो कर देते हैं बिना देर के स्टार्ट। गाइस आपके पास जो भी पिक हो उसको पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर देना। देन गाइस इसके अंदर आने के बाद हम सिंपली ऐड फोटो वाले ऑप्शन के अंदर चलेंगे और एक नियोन की पीएनजी होती है हम उसको ऐड कर लेंगे। गाइस कुछ इस तरीके से ना आपको अपने बैकग्राउंड पे इस पीएनजी को सेट कर देना है। देन गाइस सेट करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है ताकि जो अपनी पीएनजी है वो हिले ना। कई बार बाई मिस्टेक हिल जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। देन गाइज हम फिर से चले जाएंगे अपने गैलरी वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे और जो अपना बैकग्राउंड है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। देन गाइज आप लोग ना यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख सकते हो। तो अपना जो बैकग्राउंड है वो फुली सेट हो चुका है अपने पहले वाले बैकग्राउंड पर। तो गाइज इतना करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन के अंदर और अपनी पिक को इन्वर्ट कर देना, अपनी पिक पहली जैसी हो जाएगी, ठीक है। इसका जो ब्रश है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या क्या रखना है। इसका जो हार्डनेस है आप लोगों ने इंक्रीज़ कर देना है 88 और साइज़ अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो मैं यहाँ से कर दूँगा 35, ठीक है। देन गाइस अपना जो इनर पार्ट है उसके अंदर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसको यूज़ कर लेना है। ध्यान रखना इससे बाहर ना जाए, ठीक है। गाइस ये चीज़ मैंने पहले से कर रखी है, जस्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आप ईजिली कर पाओ, ठीक है। गाइज सच में अगर मैं इस वीडियो के अंदर ये चीज़ करने के लिए बैठ जाऊँ ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप स्किप कर करके देखोगे तो मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा टाइम देके कर लेना। देन गाइज हमारी पिक कुछ इस टाइप से रेडी हो जाएगी। आप लोगों ने इनर साइड को कुछ इस तरीके से फिल कर देना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब गाइज हमारी पिक है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। देन गाइज अपने पिक को ना और अट्रैक्टिव बनाना है तो इसका जो इतना भी बाहर का पोर्शन बच गया उसको हम ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ से चले जाना, अपने टूल वाले ऑप्शन के अंदर एडजस्ट में आ जाना है। चौथे नंबर पे आप लोगों को सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका जो अमाउंट है आप लोगों ने फुली माइनस कर देना 100, ठीक है। डन गाइज इतना करने के बाद अपने इरेजर वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना, इसको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और ब्रश को देख लो, वही काम करना है जो पहले वाले स्टेप में करा था। इसका जो हार्डनेस है हम लोग इसको इंक्रीज़ कर देंगे 86 और साइज़ को यहाँ से माइनस कर देंगे 29 और जो बाहर वाला पोर्शन है उसको ब्लैक एंड वाइट में कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग गाइस थोड़ा सा टाइम दे के इसको कर लेना, अपनी पिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी यहाँ पे। और गैस इतना वर्क हो जाने के बाद सिंपली हमें राइट पे क्लिक कर देना है। एंड गैस एक और बार हम लोग यहाँ से नियोन वाली इफेक्ट को डालेंगे अपने पिक के अंदर, तो हम उस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। गैस उस पीएनजी को ना कुछ इस तरीके से जो अपनी पहली वाली पीएनजी है यहाँ पे उसी टाइप में उसको सेट कर देना है। इस टाइप से आप लोगों ने सेट करना है ताकि पता ही ना चले कि भाई साहब कौन सी रियल है और कौन सी फेक है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने सेट कर देना है एंड गैस राइट पर क्लिक कर देना है एंड अपने पिक का सैचुरेशन और लाइट सेट करेंगे। तो फिर से आ जाना टूल वाले ऑप्शन के अंदर, एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों ने शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका जो शेडो अमाउंट आप लोगों ने थोड़ा सा माइनस कर देना है यहाँ पे 24। हाईलाइट्स काफ़ी अपने फोटो में तो हाईलाइट्स को माइनस करेंगे 23, ठीक है। देन गाइस क्लियरिटी को इनक्रीज़ करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी इनक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। देन गाइस इरेजर पर आ जाना और अपना जो मॉडल है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है तो इसका ओपेसिटी आप लोगों ने कम कर देना है और हार्डनेस को भी कम कर देना है और साइज़ तो अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हो, तो 31, ठीक है। और यहाँ से अपने मॉडल के फेस के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट मतलब ओवर सैचुरेटेड लग रहा है तो हम लोग उसको धीरे धीरे यहाँ से क्लीन कर लेंगे।
देन गाइस यहाँ से आप लोगों ने राइट कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमारी फोटो देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम सी लग रही है यहाँ पे, ठीक है गाइस। आप कुछ भी काम नहीं करना आप लोगों ने, यहाँ पे सिंपली इस लेयर पे क्लिक करके अपने पिक को गैलरी के अंदर सेव कर देना है। और गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।